करीब 11:30-12 बजे तक चर्च में सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। उसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो। शाम के 5:30 बजे कोचीन से मुंबई की फ्लाइट है। शादी के बाद ज्यादा धूम धड़ाके की जरूरत नहीं होगी। जो भी नाच गाना करना हो वो शादी से एक दिन पहले कर लेना, क्योंकि ये घर पवित्र कार्य के लिए शुभ नहीं है, इसलिए दूल्हा दुल्हन को सारी रस्में मेरे घर पर करनी होंगी। मेरी मानो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ये शादी अभी नहीं होगी। अंजलि दिमागी तौर पर बीमार है, जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती मेरी राय में इसकी शादी करना ठीक नहीं होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। है, प्रॉब्लम है, इसीलिए तो अनूप ने फोन करके मुझे यहाँ बुलवाया था। भूत प्रेत पिशाच ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं। इसका यह सोचना कि अपनी बहन गीता की मौत की जिम्मेदारी यह है, इसके दिमाग को चोट पहुंचा रही है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये चोट आगे चलकर नासूर बन जाएगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी नानी की तरह हो जाएगा, जिन्हें चेन में बांध के रखा जाता था। ये मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। ये कोई कहानी नहीं है। इंसान जब नशे में हो या मानसिक रूप से बुरी तरह से बीमार हो तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। शराबी की इस हालत को एल्कोहलिक डिलीरियम कहा जाता है। इसके केस में पैरानॉइड डिल्यूशन कहा जाता है। इसकी मानसिक बीमारी को ठीक करना बेहद जरूरी है। मुंबई या दिल्ली भाग जाने से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। फिर तुमने उस दिन क्यों कहा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट से कभी ये नहीं कहेगा कि वो बीमार है। मैंने भी बिल्कुल वही किया, बल्कि अगर आप लोग शादी का यह फैसला नहीं लेते तो मैं अंजलि से अभी भी यही कहता कि उसे कुछ नहीं हुआ है। अंकल मुझ पे विश्वास कीजिए प्लीज। अनु तुम तो मेरा यकीन करो। फादर ने कहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नो, इट इज नॉट द हाउस व्हिच इज हॉन्टेड, इट इज शी हु इज हॉन्टेड। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ो, ही सी करके। आई टॉकिंग वॉकिंग इंग्लिश। एक झाड़ू लेके आओ, उस पे गोबर पोतो, उसके बाद उसे कीचड़ में डुबोकर इसके मुंह पे पोतो और इसे यहाँ से भगाओ। बड़ा आया था डॉक्टर बनके, ये नकली डॉक्टर भूत पकड़ने आया था, लेकिन आज तक ये एक मक्खी तक नहीं मार पाया। ये यहाँ भूत पकड़ने नहीं आया, लड़कियाँ कैच करने आया है। और मेरी बेटी से कह रहा था कि इसे भूत पकड़ना सिखाएगा और उसी चक्कर में उस पे डोरे डाल रहा था। ये थर्की डॉक्टर है, भूत भूत का डॉक्टर नहीं है। जब भूत नहीं पकड़ पाया ना तो कहता है कि अंजलि बीमार है, इसकी नानी पागल है, उसकी माँ पागल है, जबकि वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। मैं तो कहता हूँ पुलिस दिखाओ। अम्मा जी को होश आ गया? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद वो जल्द ही बोलने लगे। डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें मुंबई ले जा सकते हैं क्या? नहीं, दीदी को मैं ले जाऊंगा, वहाँ दीदी का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। बड़ी बहन भी तो माँ समानी होती है ना। तो ये तय हो गया है कि ये शादी होके रहेगी। हाँ होगी, तुम्हें पेपर पर लिख के तो दांत तोड़ दूंगा। जो भी आया मुंह में बोलता रहता है। घर वालों से बात हो रही है तो तुम क्यों बोलते हो बीच में? यूज़लेस फेलो। सॉरी सर। देखो डॉक्टर, शादी की तारीख टालना मुमकिन नहीं है। सब तय हो गया है, रिश्तेदारों को बुला लिया है, फादर से भी तारीख पक्की कर ली है। अब ये पोस्टपोन नहीं हो सकती। वैसे भी ऐसा करना नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम सब लोग वही करेंगे जो भाई साहब चाहते हैं। अनूप जो कहेगा वही मेरे लिए मायने रखता है, इसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। अगर ये शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनूप, शादी के लिए मना कर दो। मेरे बुलाने पर आप आए, इसलिए थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। अनूप, ये नादानी मत करो। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा सब कुछ अंजलि है। बीमार तो कोई भी हो सकता है, क्या हुआ अगर अंजलि बीमार हो गई? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उससे प्यार ना करें, उसकी फिक्र ना करें, ऐसा नहीं होता। अगर अंजलि बीमार है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा, और अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं बीमार अंजलि के साथ रह लूंगा। तुम पछताओगे। प्लीज लिसन टू मी। बस, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम लोगों का वक्त बर्बाद मत करो। प्लीज गेट आउट।
बाबे को साहब। हाँ ठीक। तुम कहाँ चल दिए? हाँ मैं अंजलि को लेने जा रहा हूँ। संभल कर जाना, मौसम बहुत खराब है। ठीक। थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये
हटाओ इसे। मरने वाली गीता नहीं, अंजलि थी। इस समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मंगेतर बनकर जो तुम्हें धोखा दे रही है वो अंजलि नहीं, गीता है। उसे पहली बार देखते ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से बीमार है, लेकिन घर में होने वाली अजीब तरह की घटनाओं से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि प्रेत आत्माओं का चक्कर है। ये एक तरह का भूत है, यानी कि अंजलि का भूत, जो अंजलि की मौत के बाद से ही उस पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि उसकी बहन की मौत कैसे हुई, लेकिन उसने मुझे जो भी कहानी सुनाई उस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ। अंजलि का बार बार भूत को देखना, पियानो का अचानक बज उठना, ये सब कुछ बहुत अजीब था। तुम चाहो तो उसे भूत, पिशाच, आत्मा, शैतान कुछ भी कह सकते। जब उस दिन चर्च के फादर ने उसके माथे पर क्रॉस रख के प्रार्थना की तो विश्वास और आस्था की वजह से गीता को कई दिनों तक मन की शांति मिली। एक डॉक्टर होने के बावजूद मुझे लगने लगा कि ये बीमारी नहीं कुछ और ही है। फिर मेरी छानबीन में एक नया मोड़ आया। जब वासु ने बताया कि उसने मरी हुई गीता को देखा था तो मेरे दिमाग में एकदम से एक नया सवाल आया, क्या गीता जिंदा है या फिर मर चुकी है? गीता ये चाहती थी कि वासु के जरिए जिस सच का मैं पता लगाना चाहता हूँ मेरी वो कोशिश नाकाम हो जाए, और इसीलिए उसके बाद वासु को चर्च में बुलाकर किसी और की मदद से उसने वासु को भी जान से मरवा दिया। उसका खून करने वाला त्रिलोक पटेल था, लेकिन त्रिलोक पर भी अंजलि के भूत का साया था और उसी भूत के साये की वजह से त्रिलोक ने वासु को मार डाला। नदी किनारे मछली पकड़ने वाले लड़के से पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि उस लाल गाड़ी में कोई औरत थी जो अचानक गायब हो गई। इसका मतलब सिर्फ गीता ने ही नहीं, कई और लोगों ने भी अंजलि के भूत को देखा था। दिमाग में पल रहे शक को दूर करने के लिए मैंने किसी की मदद ली, और वो थी मैरी। मैंने उसे 2400 घंटे गीता पर नजर रखने के लिए कहा, और मैरी ने यह काम चालाकी से बखूबी किया। मैरी की वजह से मुझे ये पता चल गया कि हाँ, अंजलि का भूत वाकई उस घर में मौजूद था। गीता और अंजलि में से एक की नज़र कमज़ोर थी। मेरा अगला मिशन ये पता लगाना था कि क्या अंजलि को भी यही तकलीफ थी। एक बार फिर से मैंने मैरी की मदद की। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जो जिंदा है वो गीता थी, अंजलि नहीं। मुश्किल ये थी कि मेरे पास इतने सबूत नहीं थे कि मैं बाकी लोगों को भी इसका यकीन दिला पाऊं, और इसलिए सबूत जमा करने तक मैं इस शादी को किसी तरीके से भी टालना चाहता था। जब त्रिलोक ने बताया कि अम्मा जी को होश आ गया है तो गीता के चेहरे के उड़े हुए रंग को बाकी लोग देख नहीं पाए। जिस राज को त्रिलोक, अम्मा जी और खुद गीता जानती थी, उस राज के खुलने का डर देखा मैंने गीता की आंखों में। फिर उसके बाद त्रिलोक की मौत हो गई और मैं जानता था ऐसा कुछ होगा। इस सब के पीछे एक शातिर दिमाग था। कातिल जो समुद्र से आया था वो समुद्र में ही वापस चला गया। उसे ढूंढने के लिए मैं किनारे पर काफी देर तक भटकता रहा। मुझे वो रास्ता नजर आ गया जिस तरफ कातिल गया था। ये बताना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो गीता ही थी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि त्रिलोक की मौत गैस की लीकेज की वजह से हुई। जिस वक्त त्रिलोक घर से बाहर गया, हो सकता है तभी गीता ने खुली खिड़की से हाथ डालकर गैस ऑन कर दी हो। कमरा गैस से भर गया था, इसलिए जैसे ही नॉब खोला और माचिस जलाई आग लग गई। त्रिलोक उस आग की लपेटे में आकर जल के मर गया, और वो जो राज जानता था वो उसके साथ ही चला गया। उसके बाद मुझे पूरी तरह से अंदाजा हो गया कि ये क्रिमिनल दिमाग किसी हालात की वजह से नहीं बना था, बल्कि जन्म से ही गीता आपराधिक प्रवृत्ति की थी। जब गीता और अंजलि साथ पढ़ते थे, अंजलि हमेशा से पढ़ाई में आगे रहती। इस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उसके अंदर जलन और नफरत की भावना पैदा हो गई। यहाँ तक कि एक लड़के के तंग करने पर गीता ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास निकालकर उसके हाथ में घुसेड़ दी। स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट में वो जाली साइन करती थी। इस तरह छोटी छोटी गलतियां करके गीता एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल बन गई। जिस दिन अम्मा जी टेरेस से गिरी, यानी वो दिन जब बासु ने कहा कि उसे गीता दिखी थी, मैंने मुंबई में फोन करके पूछा कि वो कहां गई थी। जैसे ही वो ऊटी में अपनी एड फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची, उस रात वो बिना किसी को बताए अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ रातों रात पहुंच गई थी। भले ही पूरा सच मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अम्मा जी के साथ जो हुआ वो सब इसी भूत का किया धरा था। वो अंजलि का भूत था जिसे वासु ने देखा। अब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढना बाकी है कि अंजलि की मौत कैसे हुई। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को खो देने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और गीता से अंजलि बन गई। उससे अगर इस बारे में कोई सवाल जवाब करे या उसे इस बात का एहसास हो जाए कि कोई उसके अंदर का सच निकलवा लेगा, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि अंजलि को मुक्त कराने के लिए गीता का मरना जरूरी है। She is a master criminal.
और जब तक ऐसा नहीं होगा उस घर के रहने वाले लोगों को कभी भी अंजलि के भूत से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे अंजलि का भूत चला जाए और गीता भी सुधर जाए। लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती अनूप अनूप